वेलकम टू HNW टीवी। आज हम स्टेटर टैबलेट के बारे में जानेंगे। स्टेटर 10 टैबलेट स्टेटिन नामक दवाओं के समूह से संबंधित है। इसका उपयोग कोलेस्ट्रॉल कम करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल एक वसायुक्त पदार्थ है जो आपके रक्त वाहिकाओं में बनता है और संकीर्णता का कारण बनता है, जिससे दिल का दौरा या स्ट्रोक हो सकता है। स्टेटर 10 टैबलेट एक व्यापक रूप से निर्धारित दवा है और इसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित माना जाता है। आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियमित रूप से जांचना महत्वपूर्ण है। यह दवा उपचार कार्यक्रम का केवल एक हिस्सा है, जिसमें स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, धूम्रपान बंद करना, शराब का सेवन कम करना और वजन कम करना शामिल है। आप इस दवा को लेते समय सामान्य रूप से खा सकते हैं, लेकिन उन खाद्य पदार्थों से बचने की कोशिश करें जो वसा में उच्च है। इस दवा के सामान्य दुष्प्रभावों में कब्ज, पेट फूलना, अपच और पेट दर्द शामिल है। ये आमतौर पर हल्के होते हैं और थोड़े समय के बाद गायब हो जाते हैं। अपने चिकित्सक से परामर्श करें यदि वे बनी रहती हैं या यदि आप अपनी आंखों के पीलेपन को नोटिस करते हैं या बार बार या स्पष्टीकृत मांसपेशियों में दर्द हो रहा है। इस दवा का उपयोग कुछ स्थितियों में नहीं किया जाना चाहिए, जैसे कि यकृत रोग। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को इस दवा को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह विकासशील बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। मधुमेह के रोगियों को इस दवा को लेते समय अपने रक्त शर्करा के स्तर की निगरानी करनी चाहिए, क्योंकि इससे रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि हो सकती है। आपका चिकित्सक उपचार शुरू करने से पहले आपके यकृत के कार्य की जांच कर सकता है और उसके बाद नियमित रूप से इसकी निगरानी कर सकता है। स्टेटर टैबलेट के उपयोग। स्टेटर 10 टैबलेट के लिए निर्धारित है। उच्च कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक से बचाव। स्टेटर टैबलेट के लाभ। उच्च कोलेस्ट्रॉल में स्टेटर 10 टैबलेट स्टेटिन नामक दवाओं के समूह के अंतर्गत आता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल की मात्रा को कम करके और आपके रक्त में अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल की मात्रा को बढ़ाकर काम करता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने से दिल की बीमारियों की संभावना कम हो जाती है और आपको लंबे समय तक स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। इसे नियमित रूप से लें और इस दवा की प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए उपयुक्त जीवन शैली में बदलाव करें, जैसे स्वस्थ भोजन करना और सक्रिय रहना। अगर आपको ठीक लगे तो भी इसे लेते रहें। हार्ट अटैक से बचाव में कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर आपके रक्त वाहिकाओं को संकीर्ण एथेरोस्क्लेरोसिस का कारण बन सकता है और आपको स्ट्रोक या हृदय रोग होने का खतरा पैदा कर सकता है। इस वसा की मात्रा कम होने से इस होने की संभावना कम हो जाती है और आपको लंबे समय तक स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। अगर आपको ठीक लगे तो भी यह दवा लेते रहें। स्टेटर टैबलेट के साइड इफेक्ट्स। अधिकांश साइड इफेक्ट्स को किसी भी चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है और गायब हो जाता है, क्योंकि आपका शरीर दवा में समायोजित हो जाता है। अपने चिकित्सक से परामर्श करें यदि वे बने रहते हैं या यदि आप उनके बारे में चिंतित हैं। स्टेटर के सामान्य दुष्प्रभाव। कब्ज, पेट फूलना, अपच, पेट में दर्द। स्टेटर टैबलेट का उपयोग कैसे करें। इस दवा को खुराक और अवधि में अपने चिकित्सक द्वारा सलाह के अनुसार लें। इसे पूरी तरह से निगल लें। इसे चबाएं, कुचलें या तोड़े नहीं। स्टेटर 10 टैबलेट को भोजन के साथ या बिना लिया जा सकता है, लेकिन इसे निश्चित समय पर लेना बेहतर है। क्या होगा यदि आप स्टेटर टैबलेट लेना भूल जाते हैं। यदि आपको स्टेटर 10 टैबलेट की एक खुराक याद आती है तो इसे जल्द से जल्द लें। हालांकि अगर यह आपकी अगली खुराक के लिए लगभग समय है तो छूटी हुई खुराक को छोड़ दें और 12 घंटे के भीतर दो खुराक न लें। स्टेटर टैबलेट कैसे काम करता है। स्टेटर 10 टैबलेट एक लिपिड कम करने वाली दवा स्टेटिन है। यह एक एंजाइम HMG को रिडक्टेज को अवरुद्ध करके काम करता है, जो कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए शरीर में आवश्यक होता है। इस प्रकार यह खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, जिससे अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल का स्तर बढ़ जाता है। नए वीडियो के अपडेट प्राप्त करने के लिए HNW TV को सब्सक्राइब कर लें और घंटी आइकन दबाएं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।